I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Hello दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, सफर के नए सफर के अंदर। तो आज की वीडियो हमारी है चेन लूप के ऊपर कि GTA में आप चेन लूप कैसे करें। तो हमारे पास हैं C1 C2 मॉड्यूल के, तो आज हम इनके हेल्प से अपनी चेन लूप करने वाले हैं। क्योंकि GTA के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसकी चेन एक्सपोज रहती है, रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप ड्यूरिंग द टाइम नहीं करो उसको अच्छे टाइम पे। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या क्या आपको ज़रूरत है और क्या नहीं चाहिए आपको, उन सब चीज़ों के हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, चलो चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि चेन में कितनी की रस्टिंग आ चुकी है और चेन कितनी ड्राई हो गई है। मेरे को हो गए हैं 500 किलोमीटर मैंने चला दिया बाइक, तो उसके हिसाब से काफ़ी रस्टिंग आ गई। खड़े खड़े भी कई बार क्या होता है, ड्राइव चेन बहुत ज़्यादा होती है, भीग जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो कितनी ज़्यादा चेन ड्राई हो चुकी है और कितनी गंदी है, देख रहे हो। तो आज हम इसी का समाधान करने वाले हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें होने वाले हैं दो स्टेप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी चेन लूप करते समय और हमारे को क्या क्या नीड है ना। और हम और इसके ना दो तरीके होते हैं, तो मैं दोनों तरीके समझा दूंगा आपको वर्बली, और एक तरीके से मैं जो जिस तरीके से मैं करता हूँ वो तरीका हम आपको बता देंगे। आज आपके हाथ बहुत गंदे होने वाले हैं तो उसको इग्नोर करना। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपके पास होना चाहिए चेन क्लीनर, जो कि मेरे पास मॉड्यूल का C1 है। दूसरा आइटम आपके पास होना चाहिए मॉड्यूल का C2 चेन ल्यूब। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको चाहिए एक क्लीनिंग ब्रश और एक आपको चाहिए एक ख़राब कपड़ा जो ख़राब हो चुका हो बहुत ज़्यादा, जिसका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया वो चाहिए। अच्छा, इस ब्रश का ना एक अल्टरनेटिव भी आता है कि आज जो टूथब्रश आते हैं जो आप यूज़ करते करते आप इसको रिटायर कर देते हैं ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो यही आइटम्स तो आपको चाहिए। अच्छा, तीसरा इसमें जो मेजर पॉइंट है, आपके पास GT है या अगर कोई बाइक से उनमें स्टैंड आते हैं, तो GT के अंदर क्या होता है डबल स्टैंड नहीं आता है, बट हमने लगा रखा है। अगर डबल स्टैंड नहीं है तो आपको एक पैडॉक स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आपके पास डबल स्टैंड है तो पैडॉक स्टैंड छोड़ दीजिए, वरना आप पैडॉक स्टैंड लीजिए। तो मेरे पास तो डबल स्टैंड हमने लगाया हुआ है क्योंकि हमें चेन लूप के लिए बड़ी दिक्कत पड़ती थी और वॉशिंग के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी, तो हमने डबल स्टैंड लगा रखा है। तो बस इतना ही चाहिए, डबल स्टैंड, दो चेन क्लीनर, चेन लूप, ब्रश एंड क्लोथ, बस इतना आइटम चाहिए आपको अपनी चेन लूप करने के लिए। तो अब देखो, दो तरीके हो सकते हैं कि आप क्या, आप या तो आप गाड़ी बंद करके आप चेन लूप कर सकते हो, और नहीं तो आप गाड़ी को स्टार्ट करो और चेन को लगा के फिर आप स्टार्ट करो। तो हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं पहले। गाड़ी स्टार्ट कर ली है हम लोगों ने। एक बार ना देखो, शोर बहुत आ रहा होगा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है, बड़ी गाड़ी तो आवाज आती है। तो एक बार मैं बस एक बार चेन क्लीनर को मैं ना चलती गाड़ियां मार दूंगा, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे कि आपको कोई इंजरी ना हो। तो उसके लिए बस हमें ऐसे करना है, ऐसे करके आपको ना पूरी चेन को मतलब क्लीन करना है। अब हम गाड़ी बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जो कि इसकी रस्टिंग है या जो गंदगी है इसमें से वो निकल जाए इसमें से ना। तो अब इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, अब इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर हम ब्रश से इसको साफ करेंगे। अब हमने चेन क्लीनर को जो है ना हमारा, हमने 5 मिनट के लिए इसको मार के छोड़ दिया था। तो अब जितनी गंदगी है वो सब जाके मतलब इसको ना फूल गई होगी, अब वो तो वो हटने लगी है। देखो यहाँ से देखो गंदगी निकल रही है बहुत ज़्यादा, ये देखो कितनी गंदगी है। अब इसको है ना हमें ये ब्रश से साफ करना है, ये ब्रश टूट गया है, इसमें एक और आता है यहाँ पे लगता है ऐसे करके, तो वो टूट गया है मेरे से। तो अभी इतना ही है मेरे पास अभी, तो मैं इससे कर रहा हूँ। तो इसको हमें ना ऐसे करके अच्छे से और हाथ से ही अपने टायर को घुमा के इस ब्रश को लगाना है, जिससे कि हमारी चेन प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए। देखो अगर रिस्क होता है, जो बाइक चला के हम लोग करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है, तो अगर आप बाइक चला के करते हो तो उसमें रिस्क होता है आपकी हाथ लगना या हाथ घुस जाना या चेन के अंदर ये ब्रश कला चला जाना। हमारे साथ भी यही हुआ था, तभी ये ब्रश टूटा है। तो मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ तो आपको बता रहा हूँ मैं इस चीज़ के बारे में। तो आपको बस ऐसे ब्रश करना है और आपको क्लीन करना है, तब तक मैं क्लीन करता हूँ। तो हमारी जो चेन थी वो अब क्लीन हो चुकी है, मतलब उसको ल्यूब हमने करके ब्रश मार लिया है, तो आप देख सकते हो। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि जो हमारा
क्लीनर है C1, तो अब उसको हम दोबारा मारेंगे एक बार और इसका एक बार डायरेक्शन चेंज करेंगे, इस बार ऐसे करके और ऐसे करके मारना है हमें, ठीक है। तो पहले हम ऐसे मारेंगे सामने से, ये हो गया। अब एक बार इधर वाले एंगल से मारेंगे। सेकेंड टाइम जब हमने चेन क्लीनर मारा तो देखो सकते हो कितनी गंदगी निकली है यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा, मतलब इसमें देखो कितना ज्यादा काला काला निकला है। इसका मतलब हमारी चेन बहुत ज्यादा क्लीन हो चुकी है। अगर आप चाहो तो एक बार ब्रश और मार सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बार ब्रश मार लेता हूँ एक बार और, है ना, उसके बाद फिर हम लोग इसको कपड़े से साफ करेंगे। पहले एक बार ब्रश और मार लेते हैं हम लोग, तो जो बची कुची गंदगी होगी वो भी निकल जाएगी। ये कर लिया हमने, ठीक है। बस अब इसमें देखो, अब आपने हमने जो कपड़ा लिया था गंदा सा कपड़ा लिया था, अब उसको उसका काम आ गया यहाँ पे। तो या तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी जब आप ये वाला काम कर रहे हो, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। धीरे धीरे हाथों से साफ करना है आपको पूरी, जो आपके आपको डिफरेंस ना इसी में पता चल जाएगा कि कितनी ज्यादा क्लीन हो चुकी है हमारी चेन। दिख रहा है आपको, देखो कितनी साफ निकल के आ गई ना चेन। तो एक बार उसको ढंग से एक बार साफ कर लेंगे, जितना हमने क्लीनर डाला था सब क्लीन कर लेंगे एक बार। तो देख सकते हो ये कपड़े की हालत क्या हुई है अभी, है ना, पूरा कपड़ा काला काला हो गया है। तो इसको बस ऐसे ही आपको पूरा साफ कर लेना है अच्छे से, जब आपको लगे कि आपकी चेन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है ये। हाँ तो हमारी चेन है पूरी क्लीन हो चुकी है, मैं पूरा गंदा हो चुका हूँ। तो अब ये हमारा हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप प्रॉपर कंप्लीट हो गया चेन क्लीनिंग का। चेन, अब देखो बिफोर एंड आफ्टर में आपने डिफरेंस देखा होगा, एक बार मैं दिखाता हूँ आफ्टर में कितना फर्क आया है। देख सकते हो कि देखो पूरी क्लीन हो गई है चेन, रस्टिंग वस्टिंग सब निकल गई है। तो अब देखो हम लोगों ने चेन क्लीन कर ली, ब्रश कर लिया, उसको सूखे कपड़े से पोंछ भी लिया। अब रह गया हमारा चेन ल्यूब करने का। तो हमारा ये C2 है मॉड्यूल का, उसको हम लोग अब इसमें डालेंगे। तो अब देखो, या तो आप देखो बाइक स्टार्ट करके आप ल्यूब कर सकते हो, वरना आप विदाउट बाइक स्टार्ट ही करके कर सकते हो। पंबल के लिए सॉरी है, थक गया हूँ यार, पैर पैर बैठे बैठे थक गया मैं। तो ये रहा आपका, पहले आप ना ऐसे वाले एंगल से मारोगे। ये हमने इस एंगल से मार दिया है, अब हमें मारना है ये जो जो रोलर्स होते हैं ना, जो चेन के बीच में, तो चेन के बीच में रोलर्स होते हैं, हमें अब उस तरफ एंगल में मारना है। तो हमारी गाड़ी की चेन ल्यूब हो चुकी है, हम थक चुके हैं, बाइक मस्त हो चुकी है। तो आपने देखा हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको बाइक की चेन ल्यूब कैसे करनी है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपकी बाइक में या तो डबल स्टैंड होना चाहिए या तो आपके पास पैडॉक स्टैंड होना चाहिए। देखो जनरली बाइक्स में डबल स्टैंड आते हैं, इंटरसेप्टर में भी डबल स्टैंड आता है, बट GT में नहीं आता क्योंकि ये कैफे रेसर बाइक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लगवा लो या तो पैडॉक स्टैंड खरीद लो, ठीक है। उसके बाद आपको आपको दो क्लीनर चाहिए, या तो आप मॉड्यूल का यूज़ करते हो C1 C2, या तो आप RE से जो हमें चेन ल्यूब किट मिलती है आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। मैंने स्टार्टिंग में वही यूज़ करता था, तो हमें जाना होता नहीं है RE की तरफ, तो इसलिए हम लोग लेके नहीं आते। तो हम लोगों ने ज़्यादा ले रखा है। ब्रश आपको लोकल मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा, 100 रुपये का ब्रश मिलता है। तो अगर आप ये बाहर ल्यूब कराते हो, ठीक है, तो आपकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो 200 से 250 तक पड़ती है RE के अंदर जाके। अब यहीं अगर आप RE से भी लेते हो चेन ल्यूब और चेन क्लीनर, तो आपको देखो पाँच बार ल्यूब कर सकते हो अपनी बाइक को। क्लीनर की 2 बोतल मिलती है और ल्यूब की 1 बोतल, ठीक है, तो 5 बार कर सकते हो। तो आप हिसाब लगा लो कितना, और 500 रुपये का कॉम्बो आता है उसका, तो आप हिसाब लगा लो कितना पैसा बचा सकते हो, ठीक है। तो हमारी ऑल ओवर यही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और जल्दी से मेरे चैनल पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, कि मैं ऐसा अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। चलो बाय।